लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने अपने 5 प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की ओर से जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा सीट से डॉक्टर मेनका देवी सिंह को टिकट दिया गया है। पूर्व सांसद पुष्पा देवी सिंह की बहन डॉक्टर मेनका देवी सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। उनके पति डॉक्टर परिवेश मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर मेनका देवी सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, हम जनता के सामने उनके मुद्दों को लेकर जाएंगे। बहुत लंबा है, 3 जिले हैं, नेशनल हाईवे आप तो देखी हैं, आना जाना करती होंगी, तो उसको तो सुधारना बहुत ज़रूरी है। और सालों से जो ये रेल का जो मुद्दा चल रहा है जशपुर इलाके में, सारंगढ़ इलाके में स्टार्ट होकर ठप पड़ा है, 25-26 साल से हैं, इन लोग कुछ नहीं किए हैं। और रेल टर्मिनल की भी ज़रूरत है, और जो बेसिक सुविधाएं हैं रेलवे स्टेशन में उसको बहुत अपडेट करना है। जो नॉर्मल जो ट्रेन कैंसिल हुए हैं इतने सारे, उनको तो चलाते हवाई क्षेत्र के लोग बाहर कितने जाते हैं, और जो कंसेशन होता था बुजुर्ग लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, आप लोग पत्रकार लोगों के लिए, वो सब हटा दिए, तो होना चाहिए, प्रयास करेंगे कि वो फिर से हो जाए। रायगढ़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम राठिया चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों के बीच जाकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है। राजनीति हमारे मानव जीवन के लिए मानव का सेवा करना है, नर ही नारायण है, उनका सेवा ही मेरा धर्म है। अब भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ अच्छी पार्टी है, मुझे भारतीय जनता पार्टी से बहुत प्रेम है, लगाव है, मैं अपनी माता मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी। नए मुद्दे हमारे रायगढ़ जिले का अच्छे से अच्छे सड़कें बने, फोर लाइन बने, रेल लाइन का सुधार, जो भी बड़ी समस्या है उसको आएगी हमारे जनताओं से जो बात आएंगे उसको हम रखेंगे, हमारे मोदी जी के समाचार का समाधान मोदी जी करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश भर में चुनाव को लेकर प्रत्याशी जनता के बीच संपर्क कर रहे हैं। वहीं लोगों में भी चुनाव को लेकर काफी उत्साह है।